हेलो फ्रेंड्स, जयाज किचन जोधपुर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमने बनाई है राजस्थान की पारंपरिक डिश दाल ढोकली, जो कि बिल्कुल देसी तरीके से बनी है, गेहूं के आटे से और पौष्टिक मूंग दाल से, जो कि बहुत ही टेस्टी बनती है। तो कैसे बनती है, आइए बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम जो दाल ढोकली बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैंने मूंग की दाल ली है 1 कटोरी, और आधी कटोरी मैंने चना दाल ली है। इन दोनों को मिक्स करके ही उसकी दाल बनाई जाएगी। मसालों में दोस्तों मैंने सारे मसाले डबल लिए हैं, क्योंकि आधा मसाला हम दाल में यूज़ करेंगे और आधा मसाला हम आटे में यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 से 2.5 चम्मच नमक लिया है, 3 चम्मच मैंने मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। थोड़ा सा दोस्तों मैंने आज पालक कटिंग ली है। आज हम धनिया का यूज़ नहीं करके पालक का करेंगे, ताकि ढोकली हमारी और ज़्यादा टेस्टी बने। थोड़ा सा मैंने लहसुन को अच्छे से पीस करके रख लिया है और 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई ली है। दोस्तों, दोनों दालों को मैं मिक्स करके अच्छे से 2-3 पानी से धो लेती हूँ। दोस्तों, पैन मैंने गैस पर रख दिया है, इसमें मैं 2 ग्लास जितना पानी डाल रही हूँ, और इसी पानी के अंदर हमें ये धोई हुई दाल डालनी है। और दाल के साथ साथ ही दोस्तों, हम इसके अंदर जो हमने मसाले लिए हैं, वो आधे आधे मसाले हम इसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं 1.5 चम्मच जितना नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्च पाउडर। दोस्तों, अगर आप मिर्च कम खाते हैं तो कम डालिए। और धनिया जो दोस्तों हमने लिया है 1 चम्मच, वो पूरा हम इसी में डाल देंगे, क्योंकि ये आटे में यूज़ नहीं आएगा। दोस्तों, एक बार सारे मसाले हम इसके अंदर अच्छे से मिला लेते हैं। और अब दोस्तों, जो लहसुन हमने पीस करके रखा था, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अब दोस्तों, दाल को हम अच्छे से उबलने देते हैं, तब तक हम ढोकली का डो तैयार कर लेते हैं। तो गैस को मैं मीडियम फ्लेम पर करके दाल को ढक्कन लगाकर छोड़ दूंगी। दोस्तों, डो बनाने के लिए मैं 2 से 2.5 कटोरी आटा छान रही हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने 2 कटोरी जितना ही आटा लिया है, ज़्यादा आटा हमें नहीं लेना है, दाल के हिसाब से इतना आटा काफ़ी है। दोस्तों, आटे के अंदर हमने जो ये 1 चम्मच जीरा लिया है, उसे मैं ऐड कर रही हूँ। नमक बचा हुआ है, वो मैं सारा डाल दूँगी। मिर्च पाउडर भी मैं सारा डाल रही हूँ, और ये बची हुई हल्दी थोड़ा सा। दोस्तों, हम इसके अंदर 1 बड़ा चम्मच जितना मौन डालेंगे। सारे मसालों को हाथों से मिक्स कर लेते हैं। दोस्तों, इसका हम जो डो तैयार करेंगे, वो हमें गीला नहीं करना है, थोड़ा सा हमें टाइट रखना है, जस्ट रोटी के डो से थोड़ा सा हमें टाइट बनाना है। तो ये देखिए, सारे मसाले मिक्स हो चुके हैं। तो थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करेंगे। और डो को अच्छे से सेट कर लेते हैं। दोस्तों, ये देखिए, डो हमने सेट कर लिया है, और इसे मैंने थोड़ा सा टाइट रखा है। तो इसे 5 मिनट के लिए रेस्ट देते हैं, तब तक दाल चेक कर लेते हैं, दाल हमारी उबली या नहीं उबली। देखिए दोस्तों, दाल हमारी उबलने लग गई है। तो दाल को ऊपर ऊपर से हिलाएं, नीचे पैंदे तक हमें नहीं हिलाना है। तो इसके अंदर दोस्तों हम 2 ग्लास जितना पानी और ऐड कर देते हैं।
दाल को दोस्तों हम सीटी नहीं लगा रहे हैं, खुले में बना रहे हैं, तो इसे पकते हुए टाइम लगेगा, तब तक हम हमारी ढोकलियाँ तैयार कर लेंगे। तो फिर से मैं लो फ्लेम पर इसे ढक्कन लगा करके छोड़ रही हूँ। दोस्तों आटे पर हम थोड़ा सा तेल लगा लेंगे ताकि चिपके नहीं। तो हल्का सा मैंने आटे को ग्रीस किया है। फिर से एक बार हाथों से अच्छे से गूंद लेते हैं। अब दोस्तों हम ढोकली बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों डो से मैंने एक बड़ा लोई तोड़ा है, इसकी मैं बेल बना लेती हूँ। दोस्तों जनरल वे में सब जने इस टाइप की ढोकली बनाते हैं, तो मैं आपको पहले तो वो ही बता देती हूँ। तो ये देखिए छोटे छोटे से मैंने लोई बनाया है। राजस्थान में दोस्तों ढोकली कई शेप की बनती है, तो मैं आपको दो तीन शेप बताऊंगी कि आप किस किस तरह से बनाना चाहते हैं। वैसे आप बना सकते हैं जो आपको इजी लगे, कम टाइम में बने आप वैसे बनाएं। तो पहले तो मैंने यहाँ पर ये छोटे छोटे लोई बनाए हैं, तो हाथों पे इनको प्रेस करते हुए थोड़ा सा फैला लीजिए और बीच में इस तरीके से होल कर दीजिए। तो ऐसे ही ये सारी ढोकली बनेगी। तो ये तो राजस्थान की पारंपरिक तरीके से बनी हुई ढोकली है दोस्तों। दोस्तों एक तो ये तरीका था, दूसरा ये है कि मेरे छोटे वाले बच्चे को इस तरीके के दाल के अंदर गोले भी बहुत पसंद है, तो मैं इस तरीके के कुछ गोले भी बनाकर दाल में डालूंगी। दूसरा तरीका ये है कि फिर से दोस्तों मैंने एक बड़ा लोई लिया है। जैसे हमने पहले बहुत ज़्यादा छोटे छोटे आटे के पीस किए थे, अब हम थोड़ा सा बड़ा पीस तोड़ेंगे, लगभग जस्ट डबल। इस तरीके से फिर हम इनके लोई तैयार कर लेते हैं, वही प्रोसेस है दोस्तों। दोस्तों इस लोई पर हम पहले सूखा आटा लगा लेते हैं और इसे हम पूड़ी की तरह थोड़ा सा बेल लेंगे। हल्का सा इसमें आधी साइड पर तेल की अंगुली फेरेंगे, फोल्ड करेंगे और वापस सेकंड फोल्ड में इसे ट्रायंगल शेप दे देंगे। तो दोस्तों एक ये तरीका भी होता है ढोकली बनाने का। अच्छा देखिए दोस्तों ढोकलियाँ हमने बना करके तैयार कर ली है। मैंने पूड़ी वाली भी बनाई है, ये गोले भी बनाए हैं छोटी गोल शेप में, और ये कुछ मैंने बच्चों के लिए थोड़ा यूनिक शेप दे दिया है, तो बच्चों को मेरे घर में बहुत पसंद है, तो मैंने इसलिए उनके लिए बनाई है। दोस्तों दाल भी अच्छे से उबल गई है, तो पहले दोस्तों दाल में हम पानी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि ढोकली डालने के बाद पानी इसमें और चाहिएगा, क्योंकि ढोकली पकने में टाइम लगेगा। तो इसमें हम 1-1.5 ग्लास जितना पानी ऐड कर रहे हैं और इसमें अच्छे से उबाल आ जाए उसके बाद ही हम इसके अंदर ढोकली ऐड करेंगे। ये देखिए दोस्तों दाल भी हमारी काफ़ी अच्छे से पक चुकी है और ढोकली के साथ ये और अच्छे से मैश हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए दाल में अच्छा उबाल आ गया है, तो अब हम एक एक करके सारी ढोकली इसके अंदर ऐड कर देते हैं। फ्लेम हमें लो से मीडियम ही रखनी है, हाई फ्लेम पर हमें नहीं पकाना है। जितना हम धीमी आंच पर इन्हें पकाएंगे, उतनी ही दाल और ढोकली बहुत ही टेस्टी बनेगी। और आटा दोस्तों हमने टाइट इसलिए लगाया था ताकि ये जब ढोकलियाँ हम इसमें डालते हैं उस वक्त ये आपस में चिपके नहीं। तो ये देखिए दोस्तों सारी ढोकली मैंने दाल के अंदर ऐड कर दी है। तो दोस्तों अभी हमें इसे लगभग आधे घंटे तक लो फ्लेम पर पकाना है। तो बिल्कुल मैं गैस को धीरे कर रही हूँ और इसमें दोस्तों मैं 1 ग्लास जितना पानी और ऐड कर दूंगी और ढक्कन लगाकर हम इसे आराम से पकने देते हैं। दोस्तों एक बार हम चेक कर लेते हैं, 7-8 मिनट हो चुके हैं।
ये देखिए ढोकलिया अच्छे से उबल रही है और ये फूल भी गई है। ये देखिए मैं आपको एक चेक करके बताती हूँ, ये देखिए। तो दोस्तों हर 5 मिनट से ढक्कन हटाकर चेक ज़रूर कर लीजिए। अगर आपको लगे पानी का लेवल कम है तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी ज़रूर ऐड करते जाइए। तो दोस्तों इसे हम ढक्कन लगा देते हैं, बट उससे पहले दोस्तों मैं आपको बताना भूल गई, इसमें हरी मिर्च हमने कटिंग करके रखी थी डालने के लिए, तो वो अब हम इस समय ऐड कर देते हैं। और थोड़ा सा मैंने पालक भी काट के रखा था, वो भी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ ताकि अच्छे से वो भी दाल में पक जाए। पालक से दोस्तों इस ढोकली का टेस्ट तो बढ़ेगा ही, साथ में हेल्थफुल भी बनेगी। दोस्तों 25 मिनट हो चुके हैं तो ढक्कन हटा करके चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए दोस्तों बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, ढोकलियाँ हमारी बन करके बिल्कुल तैयार है। ये देखिए दाल भी अच्छे से मैश हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं गैस की फ्लेम को ऑफ कर दूंगी। अगर दोस्तों आप दाल को थोड़ा पतला पसंद करते हैं तो और थोड़ा पानी डालकर 5 मिनट उबाल लीजिए, बट अभी इसकी जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल परफेक्ट है, ढोकली में इसी तरीके की दाल होती है। तो यहाँ पर मैं फ्लेम को ऑफ कर रही हूँ और इसे सर्विंग बाउल में सर्व करूँगी। तो दोस्तों देखिए हमारी ये दाल ढोकली जो कि राजस्थान की पारंपरिक डिश है बिल्कुल बनकर के तैयार हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है। राजस्थान में इसको खाने के वक्त हरी मिर्च, नींबू और प्याज का यूज़ ज़रूर किया जाता है। और सबसे ज़रूरी दोस्तों, क्योंकि हमने दाल को कच्चे ही बनाया है, तेल घी का पहले यूज़ बिल्कुल नहीं किया था, तो अब हम इसमें ऊपर से घी का यूज़ ज़रूर करेंगे तो इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों घर पर एक बार ज़रूर बनाकर सबको खिलाइए, बारिश का मौसम हो या ठंडा मौसम हो उस वक्त ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है दोस्तों तो अपना कमेंट मुझे ज़रूर भेजें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू।